खबर सुल्तानपुर से है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के आह्वान व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पर आज कांग्रेसियों ने जिला प्रभारी आदरणीय अनीस खान की मौजूदगी में पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल और गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के बढ़े हुए दामों और महंगाई के खिलाफ सुल्तानपुर कांग्रेस के सभी फ्रंटल संगठनों व प्रकोष्ठों ने तहसील परिसर में ताली थाली पीट कर सरकार का विरोध किया। कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय से निकलकर सरकार विरोधी नारे लगाए और पुलिस अधीक्षक कार्यालय व जिला अधिकारी कार्यालय से होते हुए सदर तहसील कार्यालय पहुंचकर बढ़ी हुई महंगाई के विरोध में नारे लगाए और सरकार की नीतियों की निंदा की। आपको बता दें कि इस धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से जिला महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष उर्मिला उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस के समय में इस तरह महंगाई नहीं हुआ करती थी और यदि कभी पेट्रोल, डीजल, गैस इत्यादि की एक दो की बढ़ोतरी होती थी तो भाजपा की सांसद स्मृति ईरानी सड़कों पर गैस सिलेंडर, सब्जी इत्यादि लेकर सड़कों पर बैठ जाया करती थी। अब वो सरकार में है तो इतनी महंगाई क्यों? अब वे सड़कों पर क्यों नहीं उतर रही हैं? जनता मर रही है। तो वही पूर्व नगर अध्यक्ष भोला ने भी भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जनता का खून चूस रही है और गरीब जनता की कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता जनार्दन के साथ खड़ी है और जब तक सरकार महंगाई कम नहीं करती तब तक वे संघर्ष जारी है और कांग्रेस पार्टी जनता के हितों के लिए हमेशा जनता के साथ और जनता के बीच में खड़ी है। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। सुल्तानपुर की समस्या क्या पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं कि गैस कहाँ पहुंची है। 25 पैसे अगर गैस के दाम बढ़ जाते थे तो भाजपा की नेता स्मृति ईरानी बड़ा सा सिलेंडर लेके बैठ के रोड पे बैठ जाती थी कि गैस का दाम कम करो, गैस का दाम कम करो, महंगाई कम करो। आज हम स्मृति ईरानी को यह संदेश देना चाहते हैं कि अब जनता की जरूरत आपको नहीं है। अब गैस कहाँ पहुँचे, अब महिलाओं को असुविधा किचन में नहीं हो रही है। दाल की दाम कहाँ पहुँच रही है, सरसों का तेल कहाँ पहुँच रहा है, पेट्रोल डीजल तो आप लोग बाइक से चल रहे हैं देख ही रहे हैं कहाँ पहुँचा है। तो स्मृति ईरानी को हमें संदेश देना चाहते हैं। मेरा संदेश आप सुल्तानपुर की मैं महिला कांग्रेस अध्यक्ष उर्मिला उपाध्याय ये संदेश दीजिए कि अब आप रोड पे नहीं बैठेंगी। 50 पैसे बढ़ने पे आप बड़ा सा सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, आज आप जनता की समस्या आपके नहीं, क्योंकि आप सत्ता में हो, आप मंत्री हो, आपको अब क्या करना है, अब जनता की आपको जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग जो हैं, हम महिला कांग्रेस, हमारे सारे फ्रंटल हैं, युवा कांग्रेस हैं, NSY हैं, सारे प्रकोष्ठ हैं, हम लोग जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आज तहसील में आए हैं, कल थाने जाएंगे, फिर DM आवास जाएंगे, हर जगह हम इनकी समस्या के लिए उठाएंगे, इनकी लड़ाई लड़ेंगे। हुई तो हम लोग 18 तारीख तक लगातार जुलूस निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। आज आप अरहर की दाल देख रहे हैं, पेट्रोल का दाम देख रहे हैं, डीजल का दाम देख रहे हैं, गैस का दाम देख रहे हैं। जब कांग्रेस सरकार थी तब गैस का रेट 495 रुपये था, आज 1000 रुपये गैस का दाम है और अरहर की दाल आज 120 रुपये पहुँच चुकी है। आप 120 रुपये सरसों की दाल हो चुकी है और सरसों का तेल हो चुका है। ऐसे बहुत सी महंगाई बढ़ चुकी है और भाजपा सरकार इस समय मुद्दे पे नहीं बात कर रही। जिस मुद्दे पे सरकार में आई है वो मुद्दा भूल चुकी है। अब मुद्दे को भूल कर आज जनता को चूसने का काम कर रही है। GST लगा रखी है, कोई छूट नहीं मिल रही है हम लोगों को, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, सबसे पैसा वसूला जा रहा है और सिर्फ भाजपा कार्यालय बनाया जा रहा है और भाजपा के नेताओं के जेब में जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और आगे विरोध करते रहेंगे।